सभी को हमारा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आज हम धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच की ओर से आपको एक नुक्कड़ नाटक दिखाना चाहते हैं। अरे पर नुक्कड़ नाटक दिखाओगी किस विषय पर? अरे किसी भी विषय पर दिखा दो। ऐसे कैसे किसी भी विषय पर दिखा दे? कोई ऐसा मुद्दा चुनना होगा जो आज के समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। ऐसी बात है, चलो फिर भ्रष्टाचार से बढ़कर और कौन सा विषय मिलेगा, इसी विषय पर दिखा देते हैं। क्या तो तुम सही रही हो, भ्रष्टाचार चिरकाल से चला आ रहा है और हमें नहीं लगता वो कभी जाएगा भी, जब तक हम सभी मिलकर उसे ना भगाएं। चलो तो तय है आज का नाटक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, आज का नाटक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, आज का नाटक भ्रष्टाचार। उपिए भ्रष्टाचार, उपिए भ्रष्टाचार। अरे ओ लाखन, चाय काहे नहीं ला अभी तक? अभी लाया बड़ा बाबू। प्रणाम बड़ा बाबू। प्रणाम। क्या हुआ हमारी पेंशन का? अरे चचा, कितनी बार आपसे कहा टेबल के नीचे से हाथ बढ़ाओ तो हम भी टेबल के ऊपर से फाइल सरका देंगे। अरे बड़ा बाबू, हम आपको कैसे समझाएं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। हम तो खुद ही पैसों की किल्लत में आपके ऑफिस में चप्पल घिस रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारा काम कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे चचा, बिना उसके तो काम आगे नहीं बढ़ना है, उसका भी आप देख लीजिए। भ्रष्ट है सबके सब, सारी सरकारी व्यवस्था ही भ्रष्ट है, आखिर आम जनता जाए तो कहाँ जाए। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, आज का नाटक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, आज का नाटक भ्रष्टाचार। उपिए भ्रष्टाचार, उपिए भ्रष्टाचार। आओ भाइयों और बहनों, आप हमें वोट दीजिए और देखिए कैसे हम आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम जीवन भर आप सबकी सेवा करना चाहते हैं, अगर आप एक मौका दे तो। देखो देखो कितना मीठा बन रहा है, वोट दो, वोट दो और एक बार कुर्सी मिल जाए फिर कौन भाई कैसी बहन सब भूल के अपने बंगले पर जाकर बैठ जाएगा। पर हमें किसी ना किसी को तो चुनना होगा, देखो कितना भला व्यक्ति लग रहा है, गरीब के साथ बैठ के खाना खा रहा है। सभी लोग वोट देके नेताजी को जिता देते हैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। जी जी अशुद्ध कतिया, अरे किसने आने दिए यहाँ, भगाओ यहाँ से। देखो इस पाखंडी को, चुनाव से पहले कैसे गरीब के साथ उसी की थाली में खाना खा रहा था, अब उसी गरीब के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है। इसी की जैसे भ्रष्ट नेताओं ने हमारे देश को बर्बाद करके रखा है। ये क्या हमारी समस्याओं का समाधान कर गए? यही तो है भ्रष्टाचार की जड़, और ये है इसका असली चेहरा। नेताजी का असली चेहरा देखो, देखो देखो सारे देखो। हो गया।